श्रावस्ती जिले में लकड़बग्घे ने किया हमला, क्षेत्र में मचा हड़कंप। श्रावस्ती जनपद के थाना गिलोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम की कटार में उस समय हड़कंप मच गया। एक लकड़बग्घे ने एक गाय पर हमला कर दिया, जिससे गाय की मौत हो गई। वहीं देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि अभी दो दिन पूर्व ही थाना सोनवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निराह गांव में टाइगर देखने को मिला था, जिसको लेकर वन विभाग व पुलिस के जवान भारी संख्या में मौके पर पहुंचे। यूपी लाइव 100 न्यूज से बुजो अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। क्या है? ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश चौधरी किस गांव से हैं? कटारे। क्या पूरी जानकारी है आपको? है अब जानकारी यही है कि हमारा घर मौके पे है, हमारे घर के सामने एक गाय को आक्रमण किया, लेकिन वो शेर ही है, क्योंकि इतनी बड़ी गाय थी कि उसको दूसरा जानवर मार नहीं सकता है, और उसके मुंह को काट दिया, फिर पीछे के ध्वजा को काट दिया, फिर उसके बाद में आ गया हमारे घर के सामने। तो घर के सामने जब आया तो कुत्ता सब आवाज़ करने लगे, और कुत्ता जब भगे तो हम लोगों ने देखा, तो कुत्ता के भगने की आवाज़ सुन करके जब नज़दीक आए तो उसके बाद में जब यहाँ मौके पर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन खून पड़ा था, खून ज़्यादा पड़ा था। फिर गाय को जाकर देखा तो गाय ताजी ताजी काटी गई थी, और उसको शेर ही ने घायल किया था। फिर आगे एक गाय को और पंजा मारा उसके दरवाजे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आप जब देखे नहीं तो आप कन्फर्म कैसे कह सकते हैं कि शेर ने ही ऐसा किया है? शेर ही है, दूसरा जानवर अब इतनी बड़ी गाय को कैसे गिरा सकता है? ना कुत्ता गिरा सकता है, ना भेड़ा नहीं, गिरा वो तो है, लेकिन आप द्वारा जब देखा नहीं गया तो फिर तो अंधविश्वास ही कहेंगे, मतलब जब देखा नहीं गया। अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन अब उसका पंजा जमीन पे भी दिखाई दे रहा है। पंजा भी मीडिया द्वारा पड़ताल किया गया तो किसी और जानवर का है, वो शेर का है ही नहीं। तो शेर का नहीं है तो अब इसके बारे में आगे तो मुझे जानकारी है नहीं, इसकी जानकारी तो सरकारी आदमी को हो सकती है। गांव से हैं? कटारे। क्या पूरी जानकारी है आपको? है अब जानकारी यही है कि हमारा घर मौके पे है, हमारे घर के सामने एक गाय को आक्रमण किया, लेकिन वो शेर ही है, क्योंकि इतनी बड़ी गाय थी कि उसको दूसरा जानवर मार नहीं सकता है, और उसके मुँह को काट दिया, फिर पीछे के ध्वजा को काट दिया, फिर उसके बाद में आ गया हमारे घर के सामने। तो घर के सामने जब आया तो कुत्ता सब आवाज़ करने लगे, और कुत्ता जब भगे तो हम लोगों ने देखा, तो कुत्ता के भगने की आवाज़ सुन करके जब नज़दीक आए तो उसके बाद में जब यहाँ मौके पर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन खून पड़ा था, खून ज़्यादा पड़ा था। फिर गाय को जाकर देखा तो गाय ताजी ताजी काटी गई थी, और उसको शेर ही ने घायल किया था। फिर आगे एक गाय को और पंजा मारा उसके दरवाजे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आप जब देखे नहीं तो आप कन्फर्म कैसे कह सकते हैं कि शेर ने ही ऐसा किया है? शेर ही है, दूसरा जानवर अब इतनी बड़ी गाय को कैसे गिरा सकता है? ना कुत्ता गिरा सकता है, ना भेड़ा गिरा सकता है। वो तो है, लेकिन आप द्वारा जब देखा नहीं गया तो फिर तो अंधविश्वास ही कहेंगे, मतलब जब देखा नहीं गया। अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन अब उसका पंजा जमीन पे भी दिखाई दे रहा है। पंजा भी मीडिया द्वारा पड़ताल किया गया तो किसी और जानवर का है, वो शेर का है ही नहीं। तो शेर का नहीं है तो अब इसके बारे में आगे तो मुझे जानकारी है नहीं, इसकी जानकारी तो सरकारी आदमी को हो सकती है, क्योंकि वो इसके बारे में जानते हैं। क्या है? कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा, क्या आपने देखा? अरे बड़ा सा था, और वो जो घुड़का था, बस अंकल जी हमने इतना ही देखा है। कहाँ पे था आपने? आपने बाघ को कभी देखा है वीडियो में या? हाँ, हमने वीडियो में देखा है। तो ऐसे ही था? अच्छा, लेकिन हमने अरे गौर ने नहीं किया है, लेकिन हमने ये सुना है कि अरे वो घूर रहा था। सुना है आपने? हाँ। चेहरा नहीं देखा उसका? कि जो है शेर द्वारा एक गाय के ऊपर हमला किया गया है, जानकारी सर आपको मिली? हम लोगों ने देखा खेतों में जा करके, तो जो भी उसके निशान दिख रहे हैं वो जो है शेर का तो पता ही नहीं है, हाइना है, डॉग फैमिली का है, उसके नाखून होते हैं, तो जो सिंबल दिख रहा है वो उससे लकड़बग्घा, इसको हाइना कहते हैं, उसी वही है, और उसकी जो किल है जो गाय को खाया है तो वो भी पेट से खाया है, पेट का भाग हाइना ही खाता है, तो ये पक्का हो गया है कि ये इसका जो है जो भी किल हुआ है ये लकड़बग्घे के द्वारा ही किया गया है। तो लकड़बग्घा कहीं आ जाता है अगल बगल से, तो बस गाँव वालों को यही है कि गाँव वाले अपने छोटे बच्चों को सुरक्षा रखें, छोटे बच्चे बाहर वर ना हो। नहीं, लकड़बग्घा तो आसपास में कहीं अभी कभी देखा नहीं गया है, और अगर आ गया है तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, लकड़बग्घा तो आ गया हो तो चला भी जाएगा वहीं पे, कोई लकड़बग्घा ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर स्थायी रहेगा।
कहीं से आ गया होगा, उससे थोड़ा सुरक्षा किया जाना है। प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, प्रशासन की तरफ से हम लोग सचेत हैं, हमारी टीम यहाँ भी रहेगी। आप लोगों कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल बताइए, हमारे कर्मचारी यहाँ मौजूद रहेंगे और आएंगे देखेंगे।